गुलजारे उर्दू 12वीं जमात के लिए उर्दू निसाब लाजमी 2019 के मुताबिक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड आजमाइशी अशात। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 13 जो कि शख्सियत निगारी के उनवान से किताब में दिया गया है। इसके लिखने वाले हैं मौलवी अब्दुल हक और इसका उनवान है हसरत मोहानी, यानी हम इस सबक में हज़रत मोहानी की शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे जिसे कि मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है। मौलवी अब्दुल हक, पैदाइश 1870, वफ़ात 1961, तसानीफ चंद हम असर, लुगत कबीर कदीम उर्दू। मज़मून का उनवान है मौलाना हसरत मोहानी। हासिलात तालुम, इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि सुनकर बात कहानी मुकालमे वगैरह के जुज़ियात में अपने इल्म और तजुर्बे की रोशनी में हिस्बे ज़रूरत कमी बेशी कर सकें। नंबर दो, किसी नसरी तहरीर पर तनकीदी गुफ्तगु कर सकें। नंबर तीन, मसाइले ज़िंदगी पर किसी अखबार के लिए मौजू मवाद यानी न्यूज़ स्टोरी फीचर आर्टिकल या मरासला वगैरह तहरीर कर सकें। सबक पढ़ना शुरू करती हूँ। आज़ादी का ऐसा शैदाई कोई कम होगा, आज़ादी का ऐसा शैदाई कोई कम होगा, उसकी खातिर उन्होंने तरह तरह की मुसीबतें ईज़ाएँ सऊबतें झेलीं लेकिन उनके कदम में कभी लग्जिश ना आई। अपने ख्याल के इजहार में निहायत बेबाक, जिस तरह उन्होंने कांग्रेस में कामिल आज़ादी की आवाज़ उठाई इसी तरह मुस्लिम लीग में भी ये नारा हक बुलंद किया। वो किसी से मरूब नहीं होते थे बल्कि दूसरों पर छा जाते थे। भारत की दस्तूर साज मजलिस और पार्लियामेंट में भी उनकी आज़ादी और जरूरत का यही रंग था। बास वक्त उनकी ललकार से सरदार पटेल और उनके साथी घबरा उठते थे। कभी कभी वो अपने ख्यालात में उलझ जाते और मुतजाद बातें कह जाते लेकिन जल्द रास्ते पर आ जाते थे। तसन्नो और तकल्लुफ उनको छू कर नहीं गया था। उनकी ज़िंदगी इंतहा दर्जे की सादा थी, बिल्कुल दरवेश सिफत थे। बाज़ औक़ात वो हाथ में थैला लटकाए और बगल में पोटली दबाए पैदल स्टेशन को जाते नज़र आते थे। वो छोटे बड़े अमीर गरीब सबसे बेतकल्लुफ़ मिलते और बेतकल्लुफ़ बातें करते। उनके यहाँ कोई राज न था, सब कुछ कहते चले जाते थे। नहायत मुनकसिरुल मिजाज हलीमुत्तबा और हमदर्द थे। कोई उनके पास अपनी मुसीबत या बेइंसाफी का दुखड़ा लेकर जाता तो उसके लिए दौड़े दौड़े फिरते और लड़ते झगड़ते थे। राय के इख्तलाफ़ से ज़ाती ताल्लुक़ और मुलाकात में कभी फ़र्क ना आता। इन मामलात में वो खूब बहस करते और बाज़ औक़ात शिद्दत के साथ, लेकिन उनका दिल साफ रहता था। वो उन लोगों से भी जो सियासी उमूर में उनसे इख्तलाफ़ रखते थे लुत्फ़ और अखलाक से पेश आते थे। उनमें बाज़ उनके दोस्त भी थे, बावजूद इसके दोस्ती का एहतराम करते थे। साल हा साल तक उर्दू मौल्ला उनकी इदारत में निकलता रहा। इस रिसाले ने अदबी ज़ौक़ के फैलाने में बड़ा काम किया। इसमें अच्छे तनकीदी और अदबी मजामीन निकलते रहे। इसके अलावा इसमें एक बात ये बड़ी अच्छी थी कि बास ऐसे अच्छे शौरा के कलाम का इंतकाब भी छपता रहता था जिनका कलाम कभी तबाह नहीं हुआ था या कभी तबाह हुआ था तो अब नायाब था। हमारे अदीबों में बास ऐसे भी थे जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जो अदब से हट कर सियासत के मैदान में कूद पड़े। उनके इस अमल से सियासत को तो कुछ फ़ायदा पहुंचा नहीं, अलबत्ता अदब को नुकसान पहुंच गया। मौलाना हसरत ऐसे अदीब थे जिन्होंने बावजूद अव्वल से आखिर तक सियासत में शोर बूर होने के अदब के दामन को न छोड़ा और जिस तरह उन्होंने सियासत में हंगामा बरपा करके आज़ादी हक़ गोई और जुर्रत की बेनज़ीर मिसाल पेश की इसी तरह उन्होंने अपने अफकार व ख़यालात से शेर का दर्जा बुलंद किया। वो सिवाय शेर के हर चीज़ में काम व ज़िंदगी की सादगी हो या सियासत इंतहा पसंद थे। शेर में उन्होंने एतदाल मतानत और हुस्न ज़ौक़ को कायम रखा। उर्दू शायरी पर उनका बड़ा एहसान है और इससे हमारी शायरी में उनका खास मुकाम है।
उनकी वफ़ात हर एतबार से सदमा अज़ीम है। लेकिन एक बात का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, उनके कुतुब खाने में उर्दू का बहुत अच्छा और बेशबहा ज़खीरा, बहुत से मख्तूतात, पुराने तस्करे, कदीम असातिज़ा का कलाम, पुराने अखबार और रिसाले और बहुत सी ऐसी मतबूआत हैं जो अब नायाब हैं और जो उन्होंने बड़ी एहतियात और मेहनत से जमा की थी। मैंने बारहा इस तरफ तवज्जो दिलाई और कहा कि इस ज़खीरे को किसी ऐसी जगह महफूज कर दीजिए कि तलफ होने से बच जाए। मैंने ये भी अर्ज़ किया कि अगर इन ज़खीरों को अंजुमन तरक्की उर्दू को इनायत फरमा दें तो हम अंजुमन के कुतुबखाने में ख़ास हिस्सा आपकी यादगार में वक्फ कर देंगे। अंजुमन उसकी कीमत देने को तैयार है, वो हमेशा वादा करते रहे लेकिन कभी ईफाए वादा की नौबत ना आई। गुज़िश्ता साल मैंने एक साहब को कानपुर में इस काम के लिए ख़ास तौर पर मुतय्यन किया, कामयाबी ना हुई। पिछली मरतबा जब वो कराची में तशरीफ़ लाए तो फिर मैंने उनसे यही अर्ज़ किया, कहने लगे कि पिछली मरतबा बरसात में कुछ किताबें ख़राब हो गई थीं, दुरुस्त करा रहा हूँ, उसके बाद भेज दूँगा। अब उनके इंतकाल के बाद ना मालूम उसका क्या हशर होगा। माकूस अस चंद हम असर मश्क, दर्ज ज़ेल सवालात के जवाब दीजिए। अलिफ़, ये खाका किस मशहूर शख्सियत के बारे में है। बे, इस सबक में कौन कौन सी मशहूर शख्सियात का जिक्र किया गया है। जीम, हसरत मुहानी का खाका अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। दाल, रिसाला उर्दू मौला ने मौलाना हसरत मुहानी की इदारत में क्या खिदमात सर अंजाम दी है। मौलवी अब्दुल हक की तहरीर की कोई दो खूबियाँ बयान कीजिए। सवाल नंबर दो, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। मुस्लिम लीग जमात थी। अलिफ, हिंदुओं की। बे, सिखों की। जीम, मुसलमानों की। ताल, ईसाइयों की। नंबर दो, सरदार पटेल घबराते थे। अलिफ, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से। मौलवी, बे, मौलवी अब्दुल हक से। जीम, मौलाना हसरत मुहानी से। दाल, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान से। तीन, उर्दू मौला से मजामीन निकलते थे। अलिफ, अदबी। बे, मज़ाहिया। जीम, सियासी। दाल, संजीदा। नंबर चार, मौलवी अब्दुल हक ने हसरत मुहानी को इल्मी ज़खीरा महफूज करने का मशवरा दिया ताकि अलिफ, इल्मी ज़खीरा अंजुमन तरक्की उर्दू को मिल जाए। बे, उन्हें अपने इल्मी ज़खीरे की तबाही पर अफसोस ना हो। जीम, अंजुमन से कीमत वसूल करना नहीं चाहते थे। दाल, उर्दू ज़बान का इल्मी ज़खीरा महफूज हो जाए। नंबर पाँच, मौलवी अब्दुल हक को मौलाना हसरत मुहानी की वफ़ात पर इस बात का ज़्यादा अफसोस था कि अलिफ, रिसाला उर्दू मौला की दारत अब कौन करेगा। बे, उर्दू शायरी को अब कौन बुलंद करेगा। जीम, उर्दू ज़बान और सियासत को कौन फ़रोग देगा। दाल, उनका अदबी सरमाया ज़ाया हो जाएगा। सवाल नंबर तीन, दर्ज ज़ेल इक्तबासात की तशरीह माए सियाक व सबाक कीजिए। नंबर एक, बास ऐसे अच्छे शौरा का इंतखाब कलाम भी छपता रहता था जिनका कलाम कभी तबाह नहीं हुआ था, ये कब या कभी तबाह हुआ था तो अब नायाब था। नंबर दो, अव्वल से आखिर तक सियासत में शोर बोर होने के अदब के दामन को न छोड़ा और जिस तरह उन्होंने सियासत में हंगामा बरपा करके आज़ादी, हक़ गोई और जुर्रत की बेनज़ीर मिसाल पेश की, इस तरह उन्होंने अपने अफकार और ख्यालात से शेर का दर्जा बुलंद किया। सवाल नंबर चार, इस खाके में कौन कौन सी खूबियाँ हैं, उन्हें तहरीर करें। नंबर पाँच, खाका निगारी के बुनियादी उसूल जहन में रखकर किसी भी शख्सियत का खाका लिखिए। सरगर्मियाँ, तलबा अपने साथियों को कोई मुख्तसर नसर पारा सुनाकर उसकी खूबियों से आगाह करें। नंबर दो, तलबा किसी अखबार या जरीदे के लिए रोज़मर्रा मसाइल हयात के हवाले से फ़ीचर, आर्टिकल, मरासला, न्यूज़ स्टोरी तहरीर करेंगे बराए असातिज़ा। नंबर एक, तलबा को कहानी, मुकालमा, खाका और शख्सियत निगारी के मुतालिक मालूमात फराहम कीजिए, नेस खाका लिखने में भी मदद कीजिए। फरहंग, ईज़ाएँ, तकलीफ़ें, सऊबतें,
मुसीबतें, लग्जिश लड़खड़ाहट, शदाई फिदा होने वाला, ललकार रोबदार आवाज़ में मुकाबले के लिए बुलाना, तसन्नो बनावट, तकल्लुफ़ ज़ाहिरदारी नुमाइश, तबाह छपना, तबाह कहजे हैं तोएं बे आइन, हक़ गोई हक़ की बात करना, हलीमुत तबा संजीदा, दस्तूर साज कानून बनाने वाला इदारा, नायाब नापैद गैर मौजूद, मुनकसिरुल मिजाज आजजी से पेश आने वाला, शराबूर सरतापा तर और आलूदा, इदारत किसी अखबार या किताब से छपवाना मुनासिब तरतीब, बेश बहा बहुत कीमती, मख्तूतात हाथों से लिखी हुई पुरानी तहरीरें, मख्तूतात के हिज्जे हैं मीम खै तोएं वाओ, मख्तू तोएं रिफ्ता और ते साकिन, मख्तूतात एतदाल मियाना रवि तवाज़ुन मोतदिल सूरत, मतानत संजीदगी, तलफ ज़ाया होना मिट जाना, तलफ के हिज्जे हैं ते लाम फे, एक साथ लिखा हुआ है, इफ़ाए अहद इफ़ाए वादा वादा पूरा करना। प्यारे तलबा व तालिबात, इस सबक की बुलंद ख्वानी इसलिए की गई है कि वो तालिब इल्म या वो तालिबात जो के बसारत से महरूम हैं उन्हें इस नई किताब को पढ़ने के लिए किसी की मोहताजी ना हो और वो खुद ही इसको सुनकर इसके मतन को समझ सकें और इम्तिहानात में आला कामयाबी हासिल कर सकें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपके आसपास आपको कोई ऐसा दोस्त साथी मिलता है, ऐसा तालिब इल्म नज़र आता है जो कि बसारत से महरूम है, आप उसे इस चैनल का लिंक ज़रूर दीजिए और पढ़ने में उसकी मदद कीजिए। ये एक सवाब का काम है और इसमें आप भी हाथ बटाइए और आप भी सवाब कमाइए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।